अभी ट्रूक ने लॉन्च कर दिया है अपना ये अफोर्डेबल ट्रूक बीटीजी फ्लैक्स गेमिंग ईयरबड। अब देखो ये ईयरबड अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर काफी तगड़ी चीजें दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैं इस ईयरबड को यूज कर रहा हूँ, गेमिंग के लिए भी मैंने यूज करा है ताकि ये देख सकूं क्या ये बेस्ट गेमिंग ईयरबड है अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर या फिर नहीं। और भी कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं इस ईयरबड के अंदर, तो इस सारी चीजें वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना एंड वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई हरदम की तरह हम पहले ही बॉक्स ओपन कर लेते हैं ताकि आपको ऑनेस्टली सारी चीजें बता पाए। तो देखो इस तरीके का कुछ बॉक्स पैकेजिंग देखने को मिल जाता है, जिसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम बॉक्स को डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। अब देखो बॉक्स को ओपन करते ही हमारा प्यारा सा ये ईयरबड ऊपर देखने को मिल जाता है और बर्ड्स अलग है, यहाँ पर केस अलग तरीके से रखा गया है। लेकिन भाई इसके नीचे भी कुछ चीजें देखने को मिलती है, जैसे यूजर मैनुअल देखने को मिलता है, थैंक यू एंड वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, टैक्सी वाला केबल देखने को मिलता है इसे चार्ज करने के लिए, एंड टू पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अब इस बॉक्स के मेन कंटेंट की बात करते हैं, यानी केस की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो केस है मैं इसे निकाल लेता हूँ। एंड ये जो कलर देखने को मिल रहा है ना भाई, वो सनसेट ऑरेंज देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर दो और कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो सनसेट ब्लैक देखने को मिलता है एंड अल्पाइन ग्रीन देखने को मिलता है। तो तीन कमाल के इंटरेस्टिंग कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब देखो इसके केस को लेकर जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, वो काफी कमाल का लगा। लाइक यहाँ पर जिस प्राइस के ऊपर ये ईयरबड आ रहे हैं ना, यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी डिसेंट देखने को मिलती है। ये डुअल फिनिश के साथ में आता है, मतलब नीचे आपको मैट फिनिश देखने को मिलता है, ऊपर ग्लॉसी देखने को मिलता है। और भाई मैं इसे 24 से 48 घंटे से ऊपर तक हो गया यूज करते हुए, कहीं भी स्क्रैच वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं। बाकी लुक वाइज ये काफी कमाल का लगता है एंड कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। लेकिन भाई अब हम बॉक्स से यहाँ पर बर्ड्स को निकाल लेते हैं, इसमें अटैच करके देखते हैं। तो भाई जैसे ही आप यहाँ पर अटैच करते हो ना इसके बर्ड को, आप एक चीज फील करोगे कि यहाँ पर जो मैग्नेट दिया गया ना, वो काफी ज्यादा तगड़ा है, मतलब यहाँ पर मैग्नेट की क्वालिटी अच्छी खासी दी गई है। और जैसे ही आप केस में बर्ड्स को अटैच करते हो ना, यहाँ पर आपको जो LED इंडिकेटर है वो काफी तगड़े देखने को मिल जाते हैं जो ट्रुक के लोगों के साथ में। वहीं बर्ड्स की बात करें तो वो भी काफी कमाल का लगता है डुअल टोन के साथ में। लाइक यहाँ पर ऊपर आपको मेटलिक वाला फिनिश देखने को मिलता है सिल्वर कलर के साथ में, एंड अंदर ऑरेंज कलर देखने को मिलता है जो कि मैट फिनिश के साथ में काफी अच्छा लगता है। वहीं ईयर टिप्स की बात करें तो सॉफ्ट सिलिकॉन बेस्ड है, जो कि काफी कमाल के लगते हैं। अब भाई इसे मैं लगा लेता हूँ, सबसे पहले आपको बताता हूँ इनके कंफर्टेबिलिटी के बारे में। तो जो ईयरबड्स है ना, वो काफी कंफर्टेबल फील होते हैं, जैसे आप कान में लगाकर इसे लंबे टाइम तक यूज भी करते हो, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी भाई फाइनली हम बात करते हैं ईयरबड्स के फीचर के बारे में। जहां पर ये जो ईयरबड्स है वो लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4 टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, क्योंकि सीमलेस कनेक्टिविटी देता है, यहाँ पर कनेक्टिविटी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ ही ये जो बर्ड्स है ना, वो IPX5 रेटिंग के साथ में आते हैं, मतलब वाटर रेजिस्टेंस हो जाता है, जैसे थोड़े बहुत बारिश के पानी से या फिर स्वेट यानी के पसीने से यहाँ पर ये आपका खराब नहीं होने वाला है। बाकी अगर हम बात करें इनके ड्राइवर्स के बारे में, तो भाई इस ईयरबड के साथ में 13mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर जो बेस रहता है वो डीप देखने को मिलता है, जो यहाँ पर बोफर्स देखने को मिलते हैं वो भी डीसेंट देखने को मिलते हैं। साउंड क्वालिटी के मामले में ईयरबड्स को मैंने जितना अभी तक यूज करा है ना, मैं कह सकता हूँ कि अपने प्राइस के ऊपर ना एक डीसेंट और काफी ज्यादा अफोर्डेबल होते हुए भी काफी कमाल की साउंड ये निकाल कर दे देता है विद डीप बेस। लेकिन भाई ये ईयरबड्स खास डिजाइन किए गए हैं गेमर्स के लिए, और गेमर्स को ध्यान में रख के इसमें अल्ट्रा लो लेटेंसी देखने को मिलती है 40ms की, जो कि बहुत ही कमाल की है। लाइक गेमिंग अगर आप करते हो ना, तो यहाँ पर आपको हाई फाई गेमिंग मोड भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको जो साउंड की क्वालिटी देखने को मिलती है या फिर यहाँ पर जो लेटेंसी रहती है ना, उसमें बहुत ही कमी देखने को मिलती है। और ओवरऑल जब आप गेमिंग करते हो उसको लगाकर, तो भी आपको डिसेंट सा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 360 स्पेशल ऑडियो का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, तो जो आपका साउंड एक्सपीरियंस रहता है वो काफी कमाल का रहता है। बात करें भाई कॉलिंग को लेकर, इस ईयरबड को लेकर ना, तो यहाँ पर आपको क्वाड माइक देखने को मिलते हैं, यानी टोटल 4 माइक इन दोनों ईयरबड्स को मिला के। तो अगर आप इस ईयरबड को कॉलिंग वगैरह के लिए सोच रहे हो, तो यहाँ पर जो सामने वाले को साउंड जाती है वो क्लियर चली जाती है और डिसेंट साउंड आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इन ईयरबड्स के टच एंड कंट्रोल की बात करें, तो भाई जो टच था ना, वो काफी रिस्पॉन्सिव देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर सिंगल टच में आप कॉल को उठा सकते हो, यहाँ पर प्ले कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, यहाँ पर डबल टच पे आप सॉन्ग को फॉरवर्ड कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो। और क्योंकि इन ईयरबड्स के साथ में आपको गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि टच से आप कंट्रोल कर सकते हो, तो ओवरऑल यहां पर जितने भी फीचर इस ईयरबड के अंदर दिए गए ना, वो एक अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर डिसेंट देखने को मिलते हैं। लाइक मैं शुरू से ही अफोर्डेबल प्राइस बोल रहा हूं, मतलब इस ईयरबड की जो प्राइस है ना, वो आप सुन के बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे। 999 यानी 999 के प्राइस के ऊपर, 1000 के नीचे आपको ये ईयरबड देखने को मिल रहे हैं, जहां पर आपको गेमिंग के लिए काफी अच्छा फीचर, साउंड क्वालिटी भी आपको डिसेंट देखने को मिलती है, एंड बैटरी लाइफ इस ईयरबड के साथ में कमाल की है। लाइक 60 आवर तक का बैटरी लाइफ ये एक बार फुल चार्ज होने के बाद दे देता है फुल केस के साथ में। लेकिन वहीं पर अगर बर्ड्स की बात करोगे ना, तो 6 से 7 घंटे की बैटरी बैकअप बर्ड्स भी आराम से दे देते हैं। अगर आपका प्राइस भी 1000 के नीचे है, आपको एक बेस्ट गेमिंग TWS ईयरबड्स चाहिए, साथ ही लुक वगैरह भी काफी कमाल का चाहिए, आप इसके साइड जा सकते हो। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं एक और कमाल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।